अब ये देखो पुराने जमाने के घर किस टाइप से होते थे और कितने सुंदर होते थे। यहाँ पे देख सकते हो दरवाजा कितना छोटा है और इसकी जो खिड़की है वो ये है। ऊपर से ताई जी भी यही बता रहे हैं कि पुरानी जो खोली है वो अब बहुत कम देखने को मिल रही है। अपने मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है, अभी सुबह के करीब 9 बज चुका है और इस वाली जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के लगभग 6-7 ही बज रहा होगा, पर 9 बज चुका है। पूरे गुप्तकाशी में अच्छी सी धूप लग चुकी है और कल मेरा जो स्टे था, कल या परसों जो मेरा स्टे था वो था भैया और के यहाँ पे, कि ब्रेकफास्ट भी कर दिया है, अब निकलते हैं धारा पूजन के लिए। आज का सिर्फ प्रोग्राम है धारा पूजन का, अब देखते हैं उस पर कितना टाइम लगता है। ये देखो पुराने ज़माने के घर किस टाइप से होते थे और कितने सुंदर होते थे। जिनका डिज़ाइन है ना वो वाकई में बहुत सुंदर है। आज की डेट में इस वाली चीज़ को हम लोग बालकनी बोलते हैं और अपने गढ़वाली भाषा में हम इसको जंगला बोलते हैं, और बाकी ये हो गया मेन गेट और गढ़वाली भाषा में इसे खोली बोलते हैं। यहाँ पर सुंदर से चित्र बनाए हुए हैं, पुराने जो मकान के दरवाजे हैं उन पर सुंदर सी कलाकारी करी हुई है, तो कुछ इस टाइप से पुराने घर बनाए रहते थे। और यहाँ पे देख सकते हो दरवाज़ा कितना छोटा है और इसकी जो खिड़की है वो ये है। अब इतना मतलब इतनी छोटी खिड़की जिससे सिर्फ हाथी बाहर आ सकता है और दरवाज़ा यहाँ पे बहुत छोटा है। ये सारी चीज़ें इसलिए भी रहती थी कि जब ठंड पड़ती थी तो उसमें ये सारी चीज़ें मदद करती थी। छोटे दरवाजे और छोटी जो खिड़कियाँ थी वो ठंड से बचने के काम आती थी। सबसे मेन जो पुराना घर होता था वो गोबर और मिट्टी से लिपाई पुताई वाला होता था, उसमें ठंड और गर्मी बराबर बनी रहती थी। और कुछ इस टाइप से ये पुराना सा घर है। पुराने जमाने के जो घर हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इस टाइप से जो लॉक वगैरह रहता था वो इस टाइप से रहता था और आज के ज़माने में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और पुराने ज़माने में इन्हीं के भरोसे पूरा मकान ना छोड़ा रहता था। ऊपर से ताई जी भी यही बता रहे हैं कि पुरानी जो खोली है वो अब बहुत कम देखने को मिल रही है और इस वाली खोली पे पूरी जो हस्तकला से जितने भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं ना बारीक से वो कुछ इस प्रकार हैं। अब काफ़ी पुरानी हो गई तो इस पे रंग मालिश तो हुई नहीं, तो इस वजह से भी ये थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। अगर इस पे रंग मालिश होती तो बहुत खूबसूरत लगती। अब जैसे ही ऊपर चौक पे गया तो अभी वहाँ पे हाथ में धो रहे हैं, अब थोड़ी देर में वो भी तैयार हो जाएंगे तो हम लोग भी निकल जाएंगे धारा पूजन के लिए। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी में जो हमारी लोकल फूल हैं वही रखे हुए हैं, ये देखो कुछ इस टाइप से हैं। अभी सब लोग पहुंच गए हैं धारा पूजन में, मैंने ड्रोन के शॉट लिए और अब जाके मैं भी जा रहा हूँ। बाकी धारा पूजन का जितना भी प्रोग्राम था वो निपट चुका है और यहाँ पे धारा पूजन ना जल्दी हो गया था। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे टाइम लगेगा, पर जब तक मैंने पोर्ट्रेट वगैरह शूट करे तब तक ये निपट ही गया।
ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है, बधाई, बहुत बहुत ठीक है, बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बाय। जरा बताइए, और बाकी बाकी हमारे भाभी जी भी ब्लॉगर हैं और हमारे व्यूअर्स भी हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी, बाकी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा चैनल का नाम रुचि राजकुमार तिवारी है और देखिए मेरी वीडियो में, मैं भी आपको गृहस्थी जो भी घर का काम रहता है गांव में सारा कर। बाकी धारा पूजन का प्रोग्राम भी हो गया है, हम लोगों पे भी जो पात पिटाई वगैरह होती है वो भी हो गया है और अपना जो कलयुग वगैरह है वो भी मिल चुका है, हम लोग भी निकल चुके हैं घर के लिए। हमें जाना है इस वाली जगह पे, जो पैदल रास्ता था वो ज्यादा दूर नहीं था, रोड के जस्ट पास में था तो इस वजह से ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। बाकी अपनी गाड़ी थी इधर पार्किंग पे लगी हुई। तो बाकी मैं भी धारा पूजन करके चोपता मेड पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और इसके बाद हम लोग जाएंगे चौंडा गरवाली, वहाँ पे हम लोगों का मैच है और अभी पहले मस्तूरा पे चलते हैं, अपना जो भी सामान है उसको वहाँ पे रख देते हैं। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता रहता हूँ चोपता मेड पॉइंट, अगर आप लोग भी स्टे के लिए आना चाहते हो तो आप लोग भी आ सकते हो। अब जैसे ही धारा पूजन से मैं फ्री हुआ उसके बाद मैं भी निकल गया मैच खेलने के लिए। एक बार मैं गिरिया गया, गिरिया से जो धारा पूजन का प्रोग्राम था वहाँ पे भी वो भी निपटाया और अभी निकल गया मैच खेलने के लिए। बाकी अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं, ये लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, इन लोगों को जब टाइम मिले तब निकल जाते हैं और वैसे टाइम 1 बजे का दिया था, 1 तो बज चुका है, अब वॉकओवर मिलेगा। लोगों को पहाड़ी क्रिकेट मैच देखना है तो जो मेरा दूसरा चैनल है एस जे हिमालयन उस चैनल पे जा सकते हो, उस चैनल पे आप लोगों को पहाड़ी क्रिकेट मैच के ब्लॉग पूरे दिख जाएंगे और इस वाले ब्लॉग में सिर्फ हाईलाइट, थोड़ा बहुत जो हाईलाइट होंगी वो देखने को मिलेंगी। बाकी इस वाले गाँव से मैं यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ ऊपर पैदल आ चुका हूँ। अब पैदल चलते चलते इतनी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि जो ये किट है ना ये बहुत भारी है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। कैच फाइनली मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं। पहुंचते पहुंचते पूरा अंधेरा हो गया था, इसका जीता हुआ मैच हम लोग हार चुके हैं, दिया था वो दिया था 96 रन का और उससे पिछला जो मैच था उनका उसमें उन्होंने 12 ओवर में 190 रन बनाए थे और आज हम लोगों ने 90 रन के करीब वो समेट लिए थे। कल मैच है हमारा जामू में और अब देखते हैं कि वहाँ पे कल कैसा रहता है क्योंकि वहाँ पे कल क्वार्टर है, अगर कल का मैच जीते हैं तो परसों सेमीफाइनल होगा और नहीं तरसों फाइनल होगा। बाकी अब मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ नई सुबह के साथ, फिलहाल के लिए वर्ल्ड टिकट है, गुड टाइम, बाय।